अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो आज हम जा रहे हैं फैमिली फूड घर का सामान ख़रीदने के लिए। चले तो फिर हमारे साथ चलें, आप भी शॉपिंग करें, देखें कि किस तरह हम शॉपिंग करते हैं। ये हमारी मानो है, हम नीचे आते हैं तो फौरन ये हमारे पास आ जाती है। चले फिर चलते हैं। बाहर निकले तो अज़ान हो गई, फिर हमने कहा चलो हम नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ के फिर ही सामान ख़रीदेंगे घर का। तो बस अब नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जाएंगे हम फैमिली फूड नमाज़ पढ़ने और फिर हम जाएंगे सामान ख़रीदने। यहाँ की मस्जिदें भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत सुकून मिलता है यहाँ नमाज़ पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से हम फारिग हो गए हैं, अब चलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लिखा हुआ है हमारा कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। ये मस्जिद की ही लिफ्ट है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलमा लिखा है माशाल्लाह। स्कूल खुल चुके हैं, पहले सोचा कि क्यों ना स्कूल का ही सामान ले लिया जाए, कुछ नगेट्स वगैरह जो बच्चों को पसंद है। ये गोरमे का है और अच्छी प्राइस में होता है, कम प्राइस में मिल जाता है और अच्छे यानी कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये। और इसमें एक स्पाइसी भी है और एक नॉर्मल रेगुलर भी है, तो हम लोग स्पाइसी लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रखो, अब मैं शादी के नगेट्स ले लूँ, उमर को बहुत पसंद है वो, तो वो भी देखने की दर है। बर्गर भी है, बर्गर भी बहुत अच्छे होते हैं सादिया के। इनके ज़्यादातर ब्रेडेड जो बर्गर है ना वो कम ही आते हैं, अक्सर शॉर्ट हुए हुए होते हैं और वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर अब वो नहीं है तो दूसरा, हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अब वो नहीं है तो हम दूसरे लेंगे बर्गर। सादिया के बर्गर हैं 12 पीसेस और ये 19 रियाल की पूरी यानी कि पैक है। ये लो पकड़ो, अब ये और निकालो, एक और निकालो। ये वाला वापसी रख दो क्योंकि ये वाले जो हैं ये महंगे पड़ रहे हैं। अच्छा खासी फ़र्क आ रहा है पैसों में, 10 रियाल तकरीबन, और ये 10 रियाल सस्ते हैं। इसमें 24 पीस हैं बर्गर के, 24 बर्गर हैं, तो ये वाला लो। चलो अब नगेट्स उठाओ, खोलो, अब नगेट्स उठा लो। नगेट्स कहाँ से लिए थे? इसके 3 पैक ले लो। एक और ले लो, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, उम्र को खासतौर पे बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ, उसको शौक से लेके जाता है। चलें अब आगे की शॉपिंग करते हैं। ये सब फ्रोज़न चीज़ें हैं, चिकन, फ्रोज़न चिकन्स हैं, बर्गर्स हैं, नगेट्स हैं। और ये ही साथ में ही यहाँ बच्चों के चिप्स वगैरह हैं,
पुफक चिप्स ये पाकिस्तान में कितने का था? ये 400 रियाल का था ना, छोटा वाला। ये हम पाकिस्तान में थे तो प्रिंगल्स पाकिस्तान में 400 या 450 रियाल का रुपए का था, और यहाँ पे हमारे यहाँ 5.5 रियाल का है। बच्चों की बहुत चीज़ें, चिप्स की वैरायटीज है यहाँ पे। पत्ती भी लेनी है। हम लोग कौन सी लेते हैं? हाँ, ऑस्कर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 6 kg, 5 की बैग से ये तो 49 हम लोग जो लेते हैं उसकी। हम लोग हाई टी लेते हैं और हाई टी बहुत स्ट्रॉन्ग चाय होती है। इसका बड़ा पैकेट ये रखो, 450 ग्राम का है और वो भी तकरीबन 10 रियाल समझ लें, 4 आने कम। ग्रीन टी, ये क्रीम्स भी अच्छी होती हैं, सुबह नाश्ते में बच्चे शौक से खा लेते हैं। नेस्ले की क्रीम्स हैं, मीठा बनाए तो भी बहुत अच्छी बनता है, मीठा इसके डाल दें तो। हॉर्लिक्स वगैरह ये भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को दूध में डाल के बच्चे पीते हैं। कॉफ़ी, हर तरीके की कॉफ़ीज़ हैं। जो शेंदा का पैकेट घर पे रखा हुआ है। अब हम दालें ले लेते हैं, घर में भी कुछ भी नहीं है दालें वगैरह। दालों का सेक्शन कहाँ है? ये तो चावलों का है। मेयोनीज वगैरह भी लेनी है, केचप। उमर यहाँ पर आ जाओ, उमर आओ फटाफट। ये बहुत अच्छी मायोनीज होती है कनोर की, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। हैंस वगैरह की भी है लेकिन मेरे बच्चे कनोर की खाते हैं तो फिर मैं वही ले लेती हूँ। केचप, केचप भी नहीं है। अभी पाकिस्तान से आए तो बस सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हैं, सब चीज़ें लेनी है। ट्वेंटी % ऑफ चल रहा है हैंस पे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी, हमको भी बहुत अच्छा लगता है ये। हॉट सॉस भी ले लेती हूँ क्योंकि याकूब को बहुत पसंद है, काफ़ी चीज़ों में खा लेते हैं, सैंडविचेस में भी डालते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा सैंडविच बन जाता है। बस अब आगे हम क्या लेंगे, नमक ये रखो। सिंधी बिरयानी के पैकेट, 2 सिंधी बिरयानी के पैकेट ले लें, अच्छी बन जाती है बिरयानी। नमक भी लेना है, तीन रियाल 50 पैसे का हमारे यहाँ ये नमक का पैकेट मिलता है, और बोतल जो है वो 4.5 रियाल की मिलती है जो कि इस तरीके की होती है ये। चले बस अब आगे दाल के सेक्शन में जाते हैं हम लोग। आओ मर, हाँ चावल वगैरह है, ऑयल है, ऑयल भी लेना है। बाबा को बोलो ऑयल ले लें,
बाबा को बुलाओ, ऑयल ले ले। अब तो ऑयल यहाँ पे फिर भी बहुत सस्ता मिलने लगा है, वरना पहले बहुत ज़्यादा महंगा होता था। ये 16 रियाल 25 पैसे का कौन सा ऑयल है? जीन। कितने लीटर है ये? 3 लीटर है, 3 लीटर ले लो। अच्छा है, सनफ्लावर का ऑयल है। अच्छा है, उससे नहीं लेना, अभी तो मीन नहीं चाहिए। अभी ये ले लो। कितने चाहिए? एक चाहिए, दो? दो ऑयल ले लिए। अब आगे दालें लेनी है। मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल जो है सब ओरिजिनल ऑयल है। खाने में डालते हैं सारे के साथ, अच्छे ऑयल है। और ये असली घी है, असली घी भी ले लेते हैं। उमर को बहुत पसंद है, बच्चियों को भी बहुत पसंद है रोटी के साथ। उमर जल्दी जल्दी आओ, उमर असील है इसका नाम, आओ फटाफट आओ। ML 36 रियाल 36.50 रियाल। दालें ले लेते हैं। एक किलो वाली दालें निकालो, ये देखो यहाँ रखी है। होमलाइन, ये भी अच्छा ब्रांड है, इसकी भी दालें बहुत अच्छी होती हैं। है कितने की? 7 रियाल की, 1 किलो 7 रियाल की दाल है ये। और भी लेनी है दालें, मसूर की दाल जिसे चना दाल भी बोलते हैं। मूंग की दाल ये रखो, ये भी रखो। और ब्राउन वाली चॉकलेट दाल, ब्राउन वाली जो दाल है नाम मसूर, मसूर की दाल। उमर ये निकालो नीचे से, 1 किलो है ना। मसूर की दाल भी हो गई, ये लो रखो। चना दाल नहीं, वो नहीं है, अच्छी है होमलाइन इसकी, अच्छी है ये तो वही है हाय सन। दालें भी हो गई, अब चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। होमलाइन तो ये है, हाय सन लिया, चलो आ जाओ। आ जाओ भाई फटाफट, अंडे ले लो। एक अंडे का क्रेट लेना है, बुलाओ पापा को। फैमिली फूड के अंडे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ज़बरदस्त मतलब अच्छे होते हैं, और जगहों के मुझे पसंद नहीं आते हैं, जायके में काफ़ी फ़र्क होता है। बस एक क्रेट ले लें। शान, हम लोग कौन सा खाते हैं? अहमद। हम मैंगो लेते, चलो ले लो एक अचार। ये कितने का है? नहीं छोटा वाला चाहिए, ये शान का ये है। ये मैंगो, हाँ मैंगो मिक्स अचार लो, मिक्स अचार लो, मिक्स अचार। कौन सा उठा रही हो? अहमद का मिक्स अचार। चिकन वगैरह बनाओ या चावल बनाओ तो उसमें काम आ जाते हैं। लो सिर्फ कीवी लोगे?
निकाल के उसको लाते हैं। ये मिक्स फ्रूट का पाँचों ग्राम वाले लेना, दो लेना टप। हाँ, यहाँ कच्चे ही बनानाज होते हैं लेकिन ये एक दिन के अंदर पक जाते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम कच्चे ही लें। है कहाँ का? न्यूजीलैंड का है। बहुत अच्छा है, बहुत मीठा और प्राइस भी कोई महंगी नहीं है, 8 रुपये किलो मिल रहा है। उमर थाली लेकर आओ। मुख्तलिफ जगहों के यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं, अच्छे होते हैं। वाली ब्रेड तो नहीं है, ये भी अच्छी होती है लंदन। ये भी ले लो फटाफट, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये क्यों? कौन से? वो मीठे बहुत होते हैं, नहीं अच्छे होते। ले लो एक, तुम लोग अपने लिए ले लो। बॉक्स के लो वो चाहिए सैंडविचेस रोल, हाँ ये एक ले लो। सबर ये नरम है। और क्या लेना है? सर्फ लेना है और वो भी लेना है। चलो सामान रखो फटाफट, जल्दी करो, देर हो रही है। जल्दी जल्दी रखो। क्या नमक गिर गया? और सारा सामान ले लिया, अल्लाह का शुक्र हो गया। बस अब कंप्लीट हो गई शॉपिंग, अब हम निकलते हैं कुछ खाने के लिए, फिर सीधे घर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉक में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।